हाँ जी, एक बात बताइए मेरे को। हाँ, क्या इतना चौड़ा टायर या इतना ब्रॉड टायर ये गाड़ी में लग सकता है? लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? क्या बात कर रहे हो? अरे भाई सब लगता है, लगाया है। अभी एक बंदा आया, उस बंदे ने बोला कि क्या ये टायर बुलेट में लग जाएगा। मैंने भाई ये गाड़ी में नहीं लग पाया, ये तो हायाबुसा के लिए सुपर बाइक के लिए टायर है। अरे मोनू भाई ऐसा नहीं है, ये सुपर बाइक जरूर लोग सुपर बाइक में भी लगाते होंगे, लेकिन ये हम रॉयल एनफील्ड में लगाते हैं। ये तो लग जाता है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ लगवा देते हैं। नहीं लगाया है हमने यार, बाइक दिखा देता हूँ आपको, यही तो खड़ी थी, अभी यही खड़ी है। अरे तो मयूर भाई जरा मेरे को स्टार्टिंग से बताइए कि हमारी रॉयल इनफील्ड में स्टार्टिंग से मतलब जो गाड़ी का टायर होता है उसको छोड़ कर ऊपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं और कितने तक का जा सकते हैं? मोनू भाई एक तो ना आप ये दर्शकों को दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछो मत, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये बात तो पता है, लेकिन तब भी हम दर्शकों के लिए बता देते हैं कि हाँ ये कुछ ऑडियंस ऐसी होती है जिसको मालूम नहीं होता है। ऑडियंस को नहीं, आपको तो पता है, अब आप ही बताओ पहले, मुझे मैं क्या बताऊं? अब आपने ये टायर दिखा दिया, कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी एक बार मतलब जो हमारा ओरिजिनल स्टॉक व्हील होता है। अच्छा आप मुझे बताओ ओरिजिनल स्टॉक व्हील कितने का आता है, क्या साइज होता है उसका? 18 नंबर होता है। हाँ ओरिजिनल स्टॉक 18 का ही आता है जी, और उसमें टायर साइज कंपनी की तरफ से जो आता है वो 110 का होता है, 110 80 18, यस, जो कि MRF या C8 के टायर होते हैं, आते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें 110 mm की जगह 120 के टायर लगाते हैं। अच्छा 120 80 18, जो कि थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो और उसमें जो टायर हम डालते हैं वो रेलको का होता है, तो जो रेलको के टायर होते हैं वो थोड़े से ब्रॉड लुक में होते हैं। एक बार जरा दर्शकों को दिखाते हैं पहले। अच्छा पहले ये बताइए कि बड़ा टायर डालेंगे तो मडगार्ड रेडगार्ड में भी तो टकराएगा? अगर 18 इंच का टायर है, 18 इंच का अलॉय है और 18 इंच का ही टायर डाल रहे हैं, 18 इंच की रिम में 18 का ही टायर डाल रहे हैं। नहीं थोड़ा बड़ा चाहता हूँ मैं, तो उसमें देखिए क्योंकि अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, 130 का भी आता है 18 में। अच्छा जो कि 130 80 18, तो वो 130 80 18 तक विदाउट चेंजिंग एनीथिंग या स्विंगम या आपका मडगार्ड चेंज किए बिना 130 80 18 तक का टायर उसमें लगाया जा सकता है, मडगार्ड नहीं टकराएगा? नहीं 130 80 18 में। चलिए अगर आप एक बार मेरे को जरा मैं टायर आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे टायर देख रहे हो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी पड़े हुए हैं, एक एक करके मैं आपको टायर दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये टायर है 130 70 18, ओके 130 80 70 18, ये मतलब क्लासिक में लग जाएगा, डायरेक्ट लग जाएगा, कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा, कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। और ये भी लग जाएगा, ये 120 80 18, और ये है 130 80 18। तो इसके हाइट में थोड़ा सा फ़र्क है? हाइट में वो इसलिए फ़र्क है जो उसकी रेडियल होती है, जो बीच का नंबर होता है जी, 120 80 18, 130 70 18, तो 20 का जो नंबर होता है उसका मतलब होता है ये हाइट, ये वाली हाइट। हाँ जी आप देख सकते हो दोनों की हाइट में थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल, तो वो इसीलिए ही फ़र्क है कि उसका जो बीच का रेडियल नंबर है वो थोड़ा सा कम है। ये हम अपनी स्टैंडर्ड में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ये नॉर्मल लग जाएगा जी। ये मडगार्ड में टच नहीं होगा? अगर आप बात करें अलॉय इसकी, अगर स्टैंडर्ड में अलॉय लगा रहे तो ही ये लगाया जा सकता है। अगर स्टैंडर्ड के रिम की बात कर रहे हैं आप तो रिम क्योंकि उसमें 19 के होते हैं जी, 19 का आगे होता है 19 का पीछे होता है, तो ये 18 इंच का टायर है ये उसमें डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए हमें क्लासिक वाला रिम डालना पड़ेगा। उसके लिए हमें 110 90 19 का टायर डालना पड़ेगा, 110 90 19, ठीक है। और मैं क्लासिक है मेरे पास और क्लासिक में थोड़ा चौड़ा ब्रॉड टायर डालना चाहता हूँ, तो उसमें आप 120 130 जो दोनों हमने दिखाए वो दोनों ही लगाए जा सकते हैं, लग सकते हैं बिल्कुल, भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। रिम में लगाना चाहते हो आप रिम में लगा लीजिए, अगर आप इसको अलॉय व्हील में चेंज करके अलॉय व्हील में लगाना चाहते हो अलॉय व्हील में लगा लीजिए। अभी जैसे आपने एक टायर ये दिखाया ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है आपके पास? हाँ हमारे पास है, बिल्कुल दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो उसमें थोड़ा सा अगर हम साइज चेंज करते हैं उसका डायमीटर, तो ये 130 130 70, मैं एग्जैक्ट नंबर इसका बताता हूँ, 130 90 15 15 इंच का अलॉय लगाना पड़ता है तब ये टायर जो है हम लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर आप 15 इंच का अलॉय लगा रहे हैं तो 130 के बाद ये आता है 140 का, 130 90 15 140 90 15, तो ये दो टायर हैं जो आप उसको लगा सकते हैं। इसके लिए भी हमें रिम चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए भी अलॉय चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए भी अलॉय चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये 15 इंच में आपकी बाइक की हाइट को थोड़ा सा अगर आपने डाउन करना है तो आप इसको लगा सकते हैं। ओके,
उसके साथ साथ हमें स्विंग आर्म भी चेंज करना पड़ेगा, स्प्रॉकेट भी चेंज करना पड़ेगा, कुछ बुश भी चेंज करना पड़ेगा, और उसमें चेन को भी चेंज करना पड़ेगा, सीट को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सारे चेंजेस हैं, लेकिन ये सारे चेंजेस हमारे लिए ज़्यादा टफ जॉब नहीं है, हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बाइक को थोड़ा सा हाइट चेंज करना चाहते हैं या कुछ ब्रॉडर लुक देना चाहते हैं, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। 15 नंबर का जो हमारा ये टायर है जी, इसको डालने के किन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि कौन लोग, मतलब मनु भाई आप मेरे साथ खड़े हो, जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, मेरी हाइट है 5'10", आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'5" हुई। तो 5, अगर आप में से 5 इंच कम हो जी, और गाड़ी में आप, मैंने भी 18 इंच का टायर लगा हुआ, आपने भी 18 इंच का टायर लगा हुआ, तो क्या आप, मेरी जैसी हैंडलिंग है इस बाइक की, आपकी उसी तरह की हैंडलिंग होगी उस बाइक की? क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है आपसे, भगवान की कृपा से बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे तो वो अगर हैंडलिंग अगर सही नहीं है तो क्या हमें उसको सही बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना, तो उसको होना सही चाहिए। बिल्कुल सही, थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करने के लिए, बाकी अगर सी हाइट कम है या अगर हाइट नहीं भी कम है, थोड़ा सा उसमें कंफर्ट लेवल अगर बंदा लेके आना चाहता है, थोड़ा सा उसको डाउन करना चाहता है, तो वो 15 इंच के टायर के साथ में प्ले अराउंड किया जा सकता है। 15 नंबर का टायर डालने से हम लॉन्ग राइड पे जाना चाहता हूँ मैं जी, कोई इशू? कोई भी इशू नहीं, हमारी काफ़ी सारी बाइक्स ऐसी हैं जो हमने मॉडिफाई करी हैं, लेह लद्दाख, मनाली, नैनीताल, ये सारी प्लेसेस हैं जो लोग कवर करके आ चुके हैं ऑलरेडी, और कोई बाइक में कोई बाइक में इशू नहीं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ और है? देखिए 140 हो गया, जैसे आपने मांगा कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है, वैसे ही हमारे साथ सारे कस्टमर हमसे मांगते हैं। तो ये है 150 mm का टायर 17 इंच में, और ये है 150 का टायर 15 इंच में। आप देख सकते हो कितने ब्रॉड ये टायर हैं, एक बार व्यूवर्स को थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। 15 इंच के ये टायर हैं, आप देख रहे हो, 17 इंच के टायर अलॉय लगा के इसको लगा सकते हो, इतना ब्रॉड टायर है, आप देख रहे हो पूरा हाथ आ रहा है। तो ये टायर अगर आप लगाते हो तो स्टेबिलिटी तो बनती है बाइक में, और थोड़ा सा डाउन भी होती है। देखिए डाउन करने का मतलब ये नहीं कि बाइक को एकदम से ऐसे नीचे झुका देंगे, डाउन करने का मतलब है कि अगर थोड़ा सा उसको स्लैंट ऐसे कर दिया जाए, थोड़ा सीट पे करके, थोड़ा इस पे काम करके, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे ध्यान से तो 130/90/15 का टायर हम लगा रहे हैं। टायर हमारा इनिशियल था 120/80/18, तो उसकी रेडियल हाइट जो थी पहले शायद इतनी थी और अब थोड़ी इतनी हो गई, बढ़ गई, तो 18 इंच की हाइट तो हमने कम कर दी, लेकिन 18 इंच से कर दिया हमने 15 इंच, तो कितना डिफरेंस आया? 3 इंच, लेकिन रेडियल हाइट में 1 इंच का फर्क आ गया लगभग, तो इफेक्टिवली इफेक्ट कितना आया? 2 इंच। तो 2 इंच इतना ही होता है, इतना सा अगर बाइक में डिफरेंस लेके आते हैं तो कोई इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं भी पड़ता, लेकिन 2 इंच उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है जब उनकी हाइट जो है 5'5" होती है वाले होते हैं। हाँ जी, चलिए ठीक है, ये तो हो गया टायर का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्यूल मीटर लगवाना है। आज के टाइम में काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी में फ्यूल मीटर लगवाना है, इंडिकेशन नहीं, फ्यूल मीटर जिससे कि आपको आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है वो पता चलता रहे, पता चल सके। तो उसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो ये होता है कि हम उसमें एक डिजिटल मीटर लगाते हैं बाइक में, और उनके टैंक को थोड़ा सा चेंज करके उसमें फ्यूल सेंसर तो को लगाया जाता है। वाली बात है, क्या कुछ ऐसा है अभी अवेलेबल? बिल्कुल हमारे पास अभी अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं। देखना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल सर, बातें तो बहुत हो गई, कहाँ हैं भाई? नीचे पड़ा है, देख तो लो। क्या बात है, देखा आपने, कमाल हो गया बाजी, इसमें लगा है, ये होता है, ऐसा ही होता है आप। अरे भैया आपको तो पता ही होगी यार, मैं वही देखना चाह रहा था कि आखिर आप कैसे करते हैं, क्या वो तरीका है? हमने एक क्लासिक का टैंक लिया, ओके, उसमें हमने कुछ इस तरह की फिटिंग बनाई है। देखिए अब ये पूरा हमने इसको सील पैक किया, क्योंकि सील नहीं करेंगे तो ऑयल लीकेज के चांसेस है। ये इसमें ऑयल सेंसर को लगाया गया है, फ्यूल सेंसर जिसको बोल सकते हो, ये इसका कनेक्शन दिया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल सेंसर लगाया गया है इसमें रॉयल एनफील्ड का ही, और इसको हम जोड़ देंगे अपने डिजिटल मीटर के साथ जो कि पड़ा है यहाँ पे। सच बताओ है भी आपके पास? ये रहा यार, क्या बात है, इस डिजिटल मीटर में जोड़ के कुछ इस तरह से इसको साथ जोड़ेंगे, हाँ तो कुछ इस तरह से इसमें दोनों को मेल फीमेल बना के इसको जोड़ा जाएगा। और इसमें आपको पता है एक डिजिटल मीटर में सारे ही इसमें आपको पता है कि डिजिटल मीटर में सारे ही फंक्शन जो है इसमें दिखते हैं,
ओडोमीटर तो होता ही होता है, इसमें आपकी स्पीड ओडोमीटर और आपका फ्यूल का भी इंडिकेशन में आता है। अच्छा, तो उसको भी सॉल्व अब हमने कर दिया है। एक बार मुझे बताइए कि इस मीटर के अंदर कितने फीचर्स या कितने फंक्शन होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक मीटर में जनरली आप देखेंगे अपने स्पीडोमीटर में तो आपकी स्पीड दिखाता है और आपकी कितने किलोमीटर कवर हो चुके हैं वो दिखाता है। बिल्कुल। इस मीटर में जितनी स्पीड हो चुकी है वो भी दिखाता है। ओके। आपकी स्पीड भी दिखाता है और आपका फ्यूल का इंडिकेशन, जैसे कि मैंने बताया कि हमने टैंक बनाया उसके थ्रू, वो भी दिखा सकता है। अगर ये कोई डलवाना चाहता है आपके यहाँ तो क्या प्राइस पड़ेगा, कितने तक का और कितने दिन में आप उसको बना के भेज सकते हैं क्या? बिल्कुल, बना के क्यों नहीं भेज सकते। देखिए मेरा कहने का मतलब है, कोई बंदा बॉम्बे में है, गुजरात में है, पुणे में, आसाम में। देखिए ये टैंक जो मैंने आपको दिखाया, ये टैंक भी हम किसी को बाहर ही भेजने वाले हैं। मतलब उस बंदे ने अपनी गाड़ी का टैंक खोल के दिया आपको और हमने रेडी किया इसको और उसको वापस भेज रहे हैं। ओके, तो ये कहाँ से आया था? ये टैंक आई गेस मुंबई का ऑर्डर है जो हमने फिलफिल करा है और अब ये मुंबई भेजेंगे हम इसको। और ये मीटर उनके पास ऑलरेडी है, उन्होंने लगवा रखा है अपनी बाइक में, तो उसको फिट कर देंगे। आप चाहें तो मीटर अब हमसे भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मीटर भी परचेज कर सकते हैं। और हमारा जो ये डिजिटल मीटर रहता है ये 6 मंथ्स की वारंटी के साथ आपके पास आता है। मतलब कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे रिप्लेस। तो ये अप टू 6 मंथ्स की वारंटी के साथ आप ये मीटर हमसे ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप डिजिटल मीटर लगवाना चाहते हैं या टायर लगवाना चाहते हैं, तिलक नगर राइडो 5 बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी सारी डिटेल मिलेगी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करिए। और अगर आपको लगवाना है कुछ भी या कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।